समाजवादी पार्टी के संरक्षक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और मुलायम सिंह यादव के साथ कई दशकों तक काम करने वाले रेवती रमण सिंह जी। बताइए, मुलायम सिंह यादव को किस तरह से याद कर रहे हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मुलायम सिंह जी का हमारा संबंध एक पारिवारिक संबंध बन गया था। वो हमारे परिवार के बड़े के रूप में एक पहचान उनकी थी और राजनीति में हमारा उनकी घनिष्ठता इतनी थी कि हमको उपनेता विधानसभा में भी उन्होंने बनाया, जब सरकार बनी 89 में लोकसभा में भी उपनेता बनाया और राज्यसभा में उन्होंने हमको भेजा। इससे ये परिचय होता है कि हमारा उनका कितना घनिष्ठ संबंध था। पूरे देश और प्रदेश की तो क्षति हुई है उनके न रहने, लेकिन मेरी भी व्यक्तिगत क्षति हुई है। ये कहा जा सकता है कि आपने अपना एक मित्र भी खो दिया सियासी में? मित्र, घनिष्ठ मित्र, हमारा उनका एक आत्मिक संबंध था जो कि परिलक्षित होता है। अगर आप देखें जो हमारी उनकी कुछ स्मृतियां हैं, अगर वो फोटो को आप देखें तो उससे आपको पता लगेगा कि हमारा उनका कितना आत्मिक संबंध था। अच्छा, उनकी शख्सियत की ऐसी कौन सी खास बातें थी जो उनको दूसरे लोगों से अलग कर? उन्होंने कई काम ऐसे किए कि जो हमेशा लोग याद करेंगे। एक काम उन्होंने ये किया रक्षा मंत्री की हैसियत से कि अगर जवान शहीद होगा बॉर्डर पर तो उसका डेड बॉडी उसके घर तक लाई जाएगी सरकारी खर्चे पर और वहाँ पूरे सम्मान के साथ उसका संस्कार किया जाए। दूसरा, उन्होंने हिंदी के प्रबल समर्थक थे, रक्षा मंत्रालय में सब काम हिंदी में हो ये मुलायम सिंह जी ने करवाया था। मुलायम सिंह जी ने नौजवानों के लिए और कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन और तमाम ऐसा काम नौजवानों के लिए किया था जो कि भुलाया नहीं जा सकता। और गरीब आदमी को उन्होंने ऊपर उठाने के लिए बहुत से काम ऐसे किए जो कि आज भी लोग याद करते हैं। अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं से वो किस तरीके का आत्मीय स्नेह रखते थे? उनका बहुत ही लगाव था और कार्यकर्ता भी उनसे सीधे जुड़ा हुआ था, उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। मुलायम सिंह जी के न रहने से वो भी अपने को अनाथ महसूस करता है। अच्छा, वो लोहिया जी के बाद और जेपी जी के बाद समाजवादी जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था उसके अगुवाकार थे, अब उनके ना रहने से ये इस आंदोलन पर किस तरीके? उन्होंने उस आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम किया था। मूर्त रूप अगर किसी ने दिया तो मुलायम सिंह जी ने दिया। मुलायम सिंह जी की कमी अब पूरी नहीं की जा सकती और जो जगह उन्होंने छोड़ी है कोई दूसरा भर पाएगा, इसमें हमको संदेह है। अच्छा, यही वजह है कि आज वो दलगत राजनीति से अलग हटकर पूरे देश के जो भी राजनेता हैं या दूसरी हस्तियां हैं और वो सारे के सारे लोग मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक जता, सब उनका सम्मान भी कर रहे हैं पूरे देश के नेता। अगर ये कहा जाए कि मुलायम सिंह जी आजाद शत्रु थे तो अन्यथा नहीं होगा, उनका कोई दुश्मन नहीं था। यहाँ तक कि मायावती जी से भी उनका संबंध
सौहार्दपूर्ण हो गया था। तो अगर ये कहा जाए कि उनका कोई दुश्मन कोई पार्टी या नेता हो, ऐसा नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि वो अक्सर बहुत चौंकाने वाले फैसले ले लिया करते थे, खासकर जब एनडीए ने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, तो वो यूपीए से अलग हो करके, यूपीए का हिस्सा नहीं थे लेकिन यूपीए से तालमेल था, उससे अलग हट करके उन्होंने कलाम साहब को समर्थन कर दिया था। जी जी बिल्कुल, और राष्ट्रपति बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कलाम साहब इस बात को भी मानते थे, खुद भी मानते थे, खाली समर्थन ही नहीं किया था, उन्होंने कैंपेन कर किया था पूरे कलाम साहब की। तो ये हैं रेवती रमन सिंह जी, जो कि मुलायम सिंह यादव के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो बता रहे हैं कि राजनीति के एक अजात शत्रु का आज निधन हो गया है और पूरे देश और समाज की, समाजवादी आंदोलन की तो क्षति है ही है, साथ ही साथ चूँकि मुलायम सिंह यादव इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो ये बता रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत तौर पर भी इनकी क्षति हुई है, इनका नुकसान हुआ है, और समाजवादी आंदोलन में जिस तरीके की शून्यता आएगी उसे आसानी से भर पाना मुश्किल होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।